आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज और मैं हूँ अमीषा चौहान। आज हम आए हैं सीधी जिले के मणिकूट आश्रम में, जहाँ पे काफी समय से ये कहा जाता है कि 59 सालों से एक कीर्तन चल रहा है जो 108 वर्षों तक चलने वाला है। और यहीं पे एक साध्वी रहती हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा दासी नाम जी। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? लगभग 25-26 साल हो गए। 95 से, 1995 से यहाँ रह रही हैं। तो ये कहेंगे कि आप हैं कहाँ से? अपने सीरी ज़िले से हैं, एक ग्राम है यहाँ पे बटौली में ससुराल थी। तो मेरे पंडित जी का स्वर्गवास हो गया तो मुझे भगवान की शरण में अच्छा लगा, मैं चली आई यहाँ की संगठन सेवा करने। तो आपको ये मतलब भक्ति मार्ग, ये कहेंगे कि भक्ति मार्ग की प्रेरणा कहाँ से मिली है? अपने से हम मिल गई, भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी, अपने से कोई दिया नहीं, अपने से आ गए। तो यहाँ आने के बाद आपको गुरु मंत्र, गुरु पूर्णिमा कोई नियम होता है? गुरु पूर्णिमा होता है। तो यहाँ पे आई तो मेरे स्वामी श्री 108 श्री गोपालदास महाराज जी मेरे को मंत्र दीक्षा दिए, जो दीक्षा करते हैं दिए, यहाँ पे सेवा दे दी। तो सेवा कर ली। आप इस मंदिर परिसर में अकेले एक साध्वी हैं? हाँ, अकेले एक साध्वी। आपके मतलब यहाँ पे और कोई साध्वी नहीं? साध्वी नहीं है, बाबाए लोग हैं, मैं अकेली रहती हूँ। ये बताइए कि जैसे आप घर परिवार छोड़ के आ गई हैं अपना जी, परिवार में और भी लोग होंगे? हाँ, मेरे परिवार में सभी लोग हैं। तो आप घर नहीं जाती हैं कभी? नहीं जाते, कभी नहीं जाते, नहीं जाते। मेरा तो भगवान पर पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा, मेरे तो आधार सीताराम के चरण आ गए। दूसरा विवाह हुआ था आपका? जी हाँ। तो परिवार है, बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, परिवार हैं, सबको ही घर में, सबको सहाल है, हम भी तो सहाल है भगवान के भजन में। कभी नहीं जाती हैं उनसे मिलने? कभी नहीं जाती, इधर उधर मिल लेते हैं, आश्रम में आते हैं तो मिलते हैं। अच्छा, घर में नहीं जाती। आपके परिवार मतलब आपके बच्चे आपसे मिलने आते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं, मंदिर में आते हैं तो मिल लेते हैं, जैसे सब भगत लोग आते हैं तो वो भी आते हैं, कोई लगाव की वजह से नहीं। आपका मतलब ये कहूँगी कि आप भी कीर्तन के लिए जाती होंगी? हाँ। और यहाँ पे जब रहती है तो खाना पीना सब कुछ जरूरतें कहाँ से पूरी होती है? सर, यहीं से मिलता है ना आश्रम। कौन देते? लोग कौन देते? महाराज जी देते हैं। नहीं, मैं जब से आई हूँ 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं तो दर्शनार्थी नहीं आए थे, मतलब ये कहूँगी कि बहुत मुश्किल से एक। हाँ, ऐसे आते हैं, आते रहते हैं, काम चलता है, भगवान की कृपा से देने वाला तो एक ही है। एक ही है, वो तो हम भी मानते हैं कि देने वाला एक ही है, लेकिन माध्यम तो कोई होगा ना, माध्यम कौन है यहाँ पे? ये माध्यम यहाँ पे जो यहाँ का संचालक है ना, तो विशेष सदा महाराज हैं, कृपा महाराज जी के बाद उनको दे गए, महाराज कारभार दे गए हैं, देते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके आते हैं घर घर। यज्ञ होता है? यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से आपकी मतलब आश्रम की सबकी पूर्ति होती है? पूर्ति होती है। तो जब से आप आई हैं यहाँ इस आश्रम में, तब से लेके आज तक क्या अंतर देखने को मिला, पहले की अपेक्षा अब में क्या अंतर? भाई, वो तो स्वामी जी के रहने पर, मालिक के रहने पर दूसरा ही रहता है, और फिर मालिक नहीं रहता दूसरा तो हो ही जाता है, हल्का तो भाई हो ही जाता है। आपको ये याद है कि ये जो मंदिर परिषद है, ये बड़ा मंदिर परिषद कब बना था? ये तो मुझे मालूम नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, पंजाने से है, इन्हें मालूम नहीं कब बना। ये बताइए कि आप अपना परिवार पूरा छोड़ के आई हैं? हाँ, ये कहूँ कि बच्चों को छोड़ दिया है। हाँ, आप माँ है ना, हमारे मतलब हमारे कल्चर में ये कहते हैं कि माँ जो होती है, एक बच्चा को मतलब बुरा हो सकता है पर माँ नहीं हो सकती, माँ बच्चों को नहीं छोड़ती है। पूरी संपत्ति छोड़ के चले आए हैं? संपत्ति नहीं होती, सब कुछ बड़े बड़े हैं, उनके नाती पोता है, सब हो गए हैं। अच्छा, आपके बच्चों के नाती पोते हो गए? हाँ, नाती पोते हो गए हैं, वो सब सक्षम है, लेकिन एक मम्मी मतलब ये कहते हैं कि माँ जो होती है वो माँ ही रहती है और बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। होते हैं, होते हैं, मानते हैं कि होते हैं, सब सक्षम रहते हैं, तो कुछ भगवान के ध्यान करें। 25 सालों से आप, तो क्या 25 साल पहले जब आप यहाँ आई थी तब भी वो इतने ही बड़े थे? नहीं, पहले बड़े नहीं थे। अब इसे मान लीजिए मेरी दूसरी शादी है, बच्चा बड़ी वाली के। अच्छा, अपने बच्चे नहीं? अच्छा, खुद के बच्चे नहीं है।
ये मैं भाव दूसरी शादी तो छोटा सा था, उसकी माँ मर गई थी। अच्छा, तो मैंने मैंने पाल पोस के सारी संबंध कर दिए, सब कुछ कर दिया, लड़के बच्चे हो गए, तब मैं बैराग्य ली। मतलब आपने अपने कार्य से मुक्ति लेने के बाद यहाँ पर आने का सोचा है। ये बोलूंगी कि यहाँ पे आपके जीवन यापन के लिए जो चीजें मिल रही हैं उसमें क्या क्या है? क्या आपको खाना मिलता है? हाँ, खाना मिलता और दवाइयाँ मिलती हैं, कपड़ा मिलते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? ये विशेषकर दास द्वारा दिया जाता है, जो कि कीर्तन में देते हैं, सभी को देते हैं। अच्छा, आप भी कीर्तन करते हैं? कीर्तन पहले करते थे, अब मैं गौ सेवा करती हूँ, यहाँ की पूजा करती हूँ कृष्ण भगवान। कितनी गौ है आपके आश्रम में? आप तो दो गए हुआ है, बस बाकी बच्चे नहीं दो चार। अच्छा, उसके लिए सब कुछ आश्रम से ही मिलता है? आश्रम से। अभी तक आप देख रहे थे साध्वी जी के साथ उनकी कहानी, उनकी जीवनी को सुन रहे थे। तो आपने देखा होगा, इनकी कहानी में ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं माँ जब अपने बच्चे को ये कहूँगी कि भक्ति की तरफ खुद को मोड़ लेती है, तो ना तो उसको अपने बच्चों का मोह रोक सकता है और ना परिवार का मोह, ना जिम्मेदारियाँ रोक सकती हैं। एक भक्ति की लाइन या भक्ति का रास्ता अपनाने के बाद कोई भी अपनी सारे मोह माया सब कुछ त्याग सकता है। और ऐसा ही साध्वी जी अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पर आकर रह रही हैं, भक्ति में लीन है, अपनी ये कहूँगी कि गुरु भक्ति में लीन है, प्रभु भक्ति में लीन है। और आप तो अब तक अभी आपने देखा होगा कि जो साध्वी जी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने परिवार के बारे में। ये भी बताया कि उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर उनके विवाह के बाद अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद यहाँ पर भक्ति में लीन होने के लिए आ गए हैं। आप देखते रहिए तरंग 24 न्यूज़, मैं हमेशा